तुलबा, आज हम सबक नंबर 8 फ़ायदेमंद और नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार का मुताला करेंगे। इससे पहले आप लोग खुर्दबीनी जानदार का मुताला कर चुके हैं, यहाँ हम खुर्दबीनी जानदार की तारीफ देख लेते हैं। ऐसे जानदार जो हमें बरहना आँखों से नज़र नहीं आते और इन्हें देखने के लिए खुर्दबीन का सहारा लेना पड़ता है, ऐसे जानदारों को खुर्दबीनी जानदार कहा जाता है। खुर्दबीनी जानदार जसामत में बहुत छोटे और मुहीन होते हैं, जिन्हें हमारी आंखें देख नहीं सकती, इसीलिए इन्हें देखने के लिए हमें खुर्दबीन की मदद लेनी पड़ती है। आइए अब हम कुछ ऐसे जानदारों का मुताला करते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इन्हीं फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदारों में सबसे पहले लैक्टोबैसिलाई का मुताला करेंगे। लैक्टोबैसिलाई नामी जरासीम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल तो होता है, लेकिन हमें इसका इल्म नहीं है। इन्हें देखने के लिए हम छाछ या दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कतरा छाछ लेकर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर स्लाइड पर रखना है और इसी स्लाइड पर मिथिलिन ब्लू नामी मजहर डालकर जब हम इसे खुर्दबीन में देखते हैं तो खुर्दबीन में हमें नीले सलाख नुमा जानदार दिखाई देते हैं जो हरकत करते हैं। यही नीले सलाख नुमा हरकत करते हुए जानदार लैक्टोबैसिलाई नामी जरासीम है। इन जरासीम की शक्ल मुस्ततीली होती है या ये सलाख नुमा होते हैं और ये गैर ऑक्सीजनी होते हैं, यानी इन्हें तनफ्फुस का अमल अंजाम देने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। लैक्टोबैसिलाई नामी बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज शक्कर को अमल तखमीर के ज़रिए लैक्टिक एसिड में तब्दील करते हैं, जिसकी वजह से दूध का पीएच कम हो जाता है, यानी उसकी तेजाबियत में इजाफा हो जाता है। इसी इजाफे की वजह से दूध में मौजूद नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार ख़त्म हो जाते हैं और दूध का प्रोटीन जमकर एक जगह आ जाता है। दूध के प्रोटीन के इसी जमने को हम दही का बनना कहते हैं और वो अमल जिसके ज़रिए दूध का प्रोटीन जमता है इसे कोआगुलेशन कहते हैं।